हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन पेपर है साइंस का मिड टर्म एग्जाम 24-25। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो डिटेल कंसेप्ट के साथ इसे समझेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो अच्छी तरह से डिटेल कंसेप्ट के साथ आप उसमें से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए बायोलॉजी का देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू स्टोर फैट अंडर स्किन। तो यहाँ पे बोला कौन सा टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है स्किन के अंडर। तो यहाँ पे स्टोर फैट करने वाला टिश्यू मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये होता है एडिपोज टिश्यू। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फैट स्टोर कौन करता है स्किन में? एडिपोज, ठीक है। तो एडिपोज इसका आंसर है फर्स्ट का, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अ सेल हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल, दिस सेल इज। तो सेल जिसके पास लार्ज वैक्यूल होता है, सेल वॉल होती है, तो उस सेल को क्या कहते हैं? तो ये भी लास्ट टाइम हमने किया था, प्लांट सेल होती है, ठीक है। प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है और सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास नहीं होते, ये एबसेंट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस किया था ना प्लांट सेल एनिमल सेल में, तो उसको आपको डिटेल में याद कर लेना है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल और सेल वॉल किसके पास होते हैं? प्लांट सेल के पास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, सेकंड का आंसर बी ऑप्शन प्लांट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड कैसे टाइप का टिश्यू है? नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है कि नन? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। बी ऑप्शन इसका आंसर है, थर्ड का आंसर कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय, माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, पावर हाउस कहते हैं शेल का, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? नाम क्या है उनका? सी बेंडा। सी ऑप्शन है इसका आंसर, सी बेंडा। अगर पूरा नाम बोले तो कार्ल बेंडा, ठीक है। कार्ल बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम 1898 में। एंड न्यूक्लियस को का नाम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1833 में। बाकी सेल तो सबको पता होगा, रॉबर्ट हुक है ना। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्ल बेंड, सी बेंड बेंडा, ठीक है। फोर्थ का सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया गया है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। इसके बाद सिंपल तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऐसी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि सिंपल वाले कितने टाइप के होते हैं और कॉम्प्लेक्स वाले कितने टाइप के होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज डन बाय। तो जो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन दी है कि जब फूड ट्रांसफर होता है लीव से अलग अलग ऑर्गन्स में, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये जो फूड का ट्रांसफर होता है ये करता कौन है? डन बाय। तो फूड यहाँ मैंने आपको इसकी ट्रिक भी सिखाई थी, फूड है तो फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, है ना, सिखाया था आपको फ्लोएम और जाइलम में। तो फूड कौन ट्रांसफर करता है? फ्लोएम। फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय। यहाँ भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मतलब जल होता है ना, जल हिंदी में जल कहते हैं, तो जल से जाइलम, तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। सी ऑप्शन है इसका आंसर। तो सेकंड का आंसर आपका सी ऑप्शन हो गया, वाटर एंड मिनरल जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में अगर डिफरेंस आ गया तो आप लिख सकते हो, है ना। जाइलम फ्लोएम कैसा टाइप का टिश्यू है? ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसफर करना, और फूड ट्रांसफर करने के मेथड को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो क्या आंसर है इसका? फर्स्ट का सी है फ्लोएम, और सेकंड का भी सी है, सेकंड का सी है जाइलम। जाइलम मतलब जल, जल मतलब वाटर, एंड फ्लोएम मतलब फॉ से फूड, ठीक है, फूड ट्रांसफर करता है, एंड ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फूड फ्लोएम जो होता है वो बॉट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ये मतलब इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, ये ऊपर भी फूड जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट ये जो जाइलम होता है ये यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है इसकी, तो ये यूनि डायरेक्शनल है जाइलम, और ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम।
बाहर क्या मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, फूड तो सबको चाहिए ना। नेक्स्ट है विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कौन सा टिश्यू है जो अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू की कॉम्प्लेक्स। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ना, तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनता है, क्योंकि सिंपल तो सेम सेल से बनेगा ना, तो यहाँ पर डिफरेंट लिखा है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये आपको पता है सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइजोजोम को। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइजोजोम को। तो इसका आंसर है सिक्स का लाइजोजोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल, जो सेल में ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल, ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है। ER की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स होते हैं सेल की। और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल एक्टिविटी कौन करता है सेल में, तो सेल में जितने भी कंट्रोल है वो न्यूक्लियस के हाथ में होता है, तो न्यूक्लियस करता है। 8th क्वेश्चन का आंसर न्यूक्लियस है। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। इसके जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे मैंने करा रखा है प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, इससे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर लेना, ये सब क्वेश्चन करा रखे हैं। एनिमल सेल का डायग्राम, मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताया था, इसके फंक्शंस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, तो इसका लिंक मैं लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उनमें आप आंसर चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट इसका फिजिक्स का पार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में इसका सेक्शन ए देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स की एसआई यूनिट इतनी बार बताई हुई है आपको, क्या होती है फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है न्यूटन। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, न्यूटन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है न्यूटन। अब फोर्स के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना चाहिए आपको, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो किस में होता है, केजी में होता है, और एक्सेलरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन में याद रखना, अगर आप ऐसे अपॉन लगाते हो तो सेकंड की पावर प्लस में लिखना, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर, या तो अगर आप अपॉन लगा रहे हो तो एस स्क्वायर को पॉजिटिव लिखना, या फिर आप अपॉन नहीं लगा रहे हो, ये पर नहीं लगा रहे हो, तो ये इस पे पावर नेगेटिव लगाया करो। तो वन न्यूटन वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तो ये न्यूटन होती है, फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेना, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है, मास वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। कभी कभी हमें एक्सेलरेशन नहीं देता, देते वी और यू देते हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ मोशन विल बी, तो आपको पता है ना दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होंगे तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो एस टी ग्राफ में होता है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो पहले एक सेकेंड में ये मान लो एक किलोमीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में ये दो किलोमीटर, यानी एक ही किलोमीटर तो बढ़ा, यानी कि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, पहले वन फिर टू, यानी हर बार वन वन डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो जब ऐसा हो तो ये ग्राफ जो होता है ना ऐसे जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसे जाता है, स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो एस टी ग्राफ का ये जो स्लोप आता है ये वी आता है, क्या आता है, ये एस टी ग्राफ का अगर स्लोप बोले तो वी, और जब वी ऐसे आए ना स्ट्रेट लाइन, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, या फिर इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन, बी पार्ट। थर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया ना चेंज ऑफ वेलोसिटी के रेट को क्या कहते हैं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वी माइनस यू अपॉन टी को क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं, तो एक्सेलरेशन है इसका आंसर, क्वेश्चन थर्ड का आंसर एक्सेलरेशन है। यूनिट भी आपको बता चुकी हूँ मैं, अगर आप अपॉन नहीं लगा रहे तो पावर नेगेटिव लगाना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं, तो थर्ड का आंसर सी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कंटेन इन विच लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के तीन लॉ है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया का होता है, सेकंड लॉ आपका डेरिवेशन देता है फोर्स की, फोर्स की डेफिनेशन भी देता है, डेफिनेशन डेरिवेशन देता है, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो एक्शन रिएक्शन की बात करता है, यानी कि जितना एक्शन होगा
उतना ही रिएक्शन होगा, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ है। तो तीनों लॉ की स्टेटमेंट आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट होती है, तीनों लॉ को स्टेटमेंट वाइज याद करना है। तो इसका आंसर थर्ड लॉ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ आ गया, फर्स्ट का आंसर न्यूटन, सेकंड का भी यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड का एक्सेलरेशन, फोर्थ का थर्ड लॉ एंड फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ का है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का करेक्ट फॉर्मूला। तो मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो एम इन टू वी इक्वल टू पी, पी क्या है मोमेंटम, पी होता है एम और वी का प्रोडक्ट इन टू। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अब इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, इसकी एसआई यूनिट मोमेंटम की देखो तो देखो मास की यूनिट होती है केजी और वी वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसमें भी ध्यान रखना, अगर पर नहीं लगा रहे तो, अगर ये अपॉन नहीं लगा रहे तो माइनस लेना पावर, अगर ये लगाते हो तो प्लस लेना, यानी कि अगर ये लगाया आपने तो पावर प्लस में लेना और अगर नहीं लगाया तो फिर ये माइनस में लेना। तो एसआई यूनिट मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड। और फोर्स जो होता है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, ये फोर्स का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी पीवाई क्यूज करा रखे हैं आपके, इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म के लिए भी, फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लेना। 3 to 4 PYQs अगर आप कर लेते हो डिटेल सोल्यूशन के साथ करा रखे कंसेप्ट के साथ, तो आपका बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, इससे प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला, उसे भी चेक कर लेना। डिटेल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा रखे केमिस्ट्री के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे, तो उसे जरूर चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नेचर पूछा है कैसा होता है ग्राफ का। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ऐसा होता है जब एसटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पे ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऐसे कर्व्ड लाइन होगी, ठीक है। तो ये कर्व्ड लाइन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो ये ग्राफ बना के आप दिखा सकते थे। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यानी वेलोसिटी आपकी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी बार बार, यहाँ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिक्स्ड वेलोसिटी। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होता है इस वाले ग्राफ में, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ना, वी अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बाकी इसे कर्व लाइन ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 m/s², व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 seconds आफ्टर स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एक रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब देखो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, अब एक्सीलरेशन किससे मिलता है, एक्सीलरेशन किस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है, एक्सीलरेशन किससे मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वी टी ग्राफ में ये जो स्लोप आता है ये एक्सीलरेशन होता है, जैसे एस टी ग्राफ में ये जो स्लोप आता है ये वेलोसिटी होती है, और जो वी टी ग्राफ होता है इसका जो स्लोप आता है ये एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन क्या है, वी बाई टी, अब चेंज इन वी बाई टी। तो क्योंकि अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रही हूँ तो यूनिफॉर्म का मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ये तो जीरो से ही स्टार्ट होगा हमेशा, वैल्यू यूनिफॉर्म में स्टार्टिंग तो ओरिजिन से होगी ना, अगर यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिन से बनती है, तो इसका मतलब पक्का है कि यू तो कितना से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से हो रहा है, 0 m/s वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यूनिफॉर्म बोल दिया एक्सीलरेशन, तो यू जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बाकी आपको पता है जब भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो आप मोशन की ये तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब एस निकालना है। अब एस आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो ना, इससे भी एस निकाल सकते हो और एस यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ से निकाल क्यों नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास v नहीं है क्वेश्चन में, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमें s यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो हमें छाटनी होती है कौन सी इक्वेशन हमें लगानी है, वो हमारे डिपेंड करता है हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो हमें जस्ट u पता है जीरो, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो मैंने ग्राफ बना के देखा तो मेरे को दिख रहा है कि u तो जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, v बढ़ा है धीरे धीरे,
बट यू तो जीरो से स्टार्ट हुआ, तो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यू तो जीरो है पक्का। तो एस निकालना है तो इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, एस इक्वल टू यू टी। यू टी में यू तो जीरो हो गया तो ये पूरा तो जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगा। बस इसमें रखना है हमें हाफ ए की जगह एक्सेलरेशन कितना दिया क्वेश्चन में, फोर ना, एक्सेलरेशन कितना दिया रेसिंग कार का, एक्सेलरेशन दिया है आपको 4 m/s². तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हमको 4 दिया है और टाइम हमारा कितना है, टाइम टाइम है हमारा 10 सेकेंड। ये ध्यान रखना एसआई यूनिट होने चाहिए हमारे सारे टाइम के, एसआई यूनिट सेकेंड होती है। तो सेकेंड अगर नहीं दिया होता, मिनट में दिया होता तो आप सेकेंड में पहले बदलोगे इसको। तो टाइम 10 सेकेंड है और स्क्वायर है ना, तो टाइम को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में। अब ये तो जीरो बन गया तो इससे सॉल्व करो, 2 × 2 = 10 × 10 × 20 × 10 × 200, तो डिस्टेंस आपका 200 m आ जाएगा। तो आई होप इस तरीके से ये क्वेश्चंस करना आपको समझ आ गया होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब भी पता चल गया होगा कि ये इसमें इनिशियल यू कितना होता है, जीरो होता है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है बट वीटी ग्राफ होता है ये, ठीक है। इसका जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8000 kg का इंजन है, वो कितने इंजन जो है 8000 kg का, वो 5 वैगन को पुल करता है ट्रेन के, एंड ईच ऑफ 2000 kg अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। और जो 5 वैगन है उसमें से एक का जो मास है वो 2000 kg है। अगर इंजन एग्जर्ट करे फोर्स 40,000 N का, तो जो ट्रैक है वो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगा 5,000 N का। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, तो आपको कैलकुलेट करना नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आएगा। तो देखो फोर्स इंजन कितना लगा रहा है 40,000 N का, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 5,000 का उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर एफ नेट की निकालूं, फोर्स नेट फोर्स की बात करूं, तो फोर्स नेट कैसे आएगा, जो टोटल फोर्स इंजन लगाएगा और जो फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ इंजन में से आपको फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि नेट फोर्स आपका 35,000, यानी कि इंजन तो मान लो आगे खींचना चाहता है 40,000 से, बट जो फ्रिक्शन है वो उसे पीछे खींच रहा है, तो वो कितने से लगा रहा है 5,000 से, तो 40 में से 5,000 माइनस हो जाएगा ना, तो 35,000 N का नेट फोर्स आ जाएगा। अब इस एफ नेट पे मेरे को क्या निकालना है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है ट्रेन का, ट्रेन का एक्सेलरेशन अब कितना आएगा, इस 35,000 के नेट फोर्स के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो फोर्स ऑफ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको, मास तो दोनों का लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इंजन भी है और ट्रेन के जो हमारे वैगन्स है वो भी तो है, तो दोनों मासेस को आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा इंजन का मास तो 8000 kg है, लेकिन वैगन तो 5 है ना, वैगन 5 है और एक 2000 का है, तो 2000 × 5 कितना हो जाएगा 10,000। तो यानी कि जो 5 वैगन्स है उनका टोटल कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि एक का 2000 है, 2000 × 5 = 10,000, और इसका 8,000 है ना इंजन का, तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा 18,000। और एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन यही रहेगा, ये जो 18,000 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 0 से 3 0 कट गए, 35/18, यानी कि एक्सेलरेशन को 18 से डिवाइड करोगे 35 को, तो 1.94 आ जाएगा, ये इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। अब आपको पता है ना इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है क्या करने की, कि वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, कोई भी चेंज को रजिस्ट करती है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन को रजिस्ट करेगी, रोकेगी, और रेस्ट पे तो रेस्ट को रोकेगी। तो रजिस्ट करने की जो एबिलिटी है एक ऑब्जेक्ट की, क्या करने की, क्या रजिस्ट करने की, मोशन या रेस्ट को, तो इसको इनर्शिया कहते हैं। ये इनर्शिया की डेफिनेशन दे दी इन्होंने, और उसके बाद बोला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा, मास पे। अगर इनर्शिया को मेजर करना है तो मास देखना पड़ेगा, मास किसी का ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और मास कम है तो यानी उसका इनर्शिया कम होगा। तो यानी कह सकते हो, यानी कह सकते हो आप अच्छा, यहाँ पे एक 7th क्वेश्चन और था इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज इन मोमेंटम, इसी को सेकंड लॉ कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आप याद कर लेना, बाकी इस सेकंड लॉ से हम डेरिवेशन ऑफ फोर्स निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता तो है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बट इसे कैसे डिराइव करेंगे, तो इसका डेरिवेशन आता है। देखो ये डेरिवेशन ही बोला है,
सेकेंड लॉ से ही डेरिवेशन होता है, डेराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो डेराइव जब भी लिखा है कि जो सेकेंड लॉ है उसका डेरिवेशन या फोर्स का डेरिवेशन, तो आपको ये प्रॉपर ये फॉर्मूला निकाल के दिखाना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये याद, ये अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। तो फोर्स की सेकेंड लॉ से डेफिनेशन यही है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है रेट चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहाँ से रेट चेंज इन मोमेंटम का मतलब रेट है तो टाइम नीचे आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी, और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनेट साइन हटाओगे तो के लेके आओ, के की वैल्यू वन रख दो, तो ये चेंज इन मोमेंटम, देखो मोमेंटम मैंने आपको बताया है एम वी होता है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ तो फाइनल मोमेंटम एफ पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया एम वी माइनस एम यू, और अपॉन में टी, एम कॉमन ले लो तो एम कॉमन ले लिया, तो ये वी माइनस यू बाई टी, और आपको पता है वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये डेरिवेशन पूरा आपको आना चाहिए, करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हम अभी बता रहे थे तो यहाँ पे पूछा है किसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो मैंने अभी बताया था ना मास अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया ज़्यादा होता है, लाइटर का कम होता है। तो स्टोन हैवी है ना, तो इसलिए स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा, रबर बॉल का कि स्टोन का, तो स्टोन का क्योंकि हैवी है तो इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए, हैवी मतलब उसका मास ज़्यादा है ना, मास ज़्यादा का मतलब क्या है, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो स्टोन। नेक्स्ट इफेक्ट इज मीन बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी मैंने यहाँ से बताया था आपको, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इन लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड इनर्शिया को डिफाइन कर देना, ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी है रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉ में लिखनी है, बाकी ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करा है कि जब बस चलते चलते रुक जाए तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हो, ये भी ड्यू टू मतलब चलते चलते रुक गई ना, यानी कि ये मोशन को रजिस्ट करना चाहता है वो, तो इस कारण से वो आप फॉरवर्ड गिरते हो, और यहाँ पे वो रेस्ट को रजिस्ट करना चाहता है इसलिए आप बैकवर्ड गिरते हो, तो ये तो आप खुद बना के भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री में से, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन, कौन से सॉलिड है जो सब्लिमेशन में जाते हैं, सब्लिमेशन का मतलब आपको बता रखा है, सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ चले जाए, गैस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए, विदाउट गो इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जब जाती है, तो नेफ्थलीन जो होती है ये सब्लिमेशन करता है, तो सब्लिमेशन का डेफिनेशन समझ आ गया, जब सॉलिड से कोई गैस डायरेक्ट बन जाता है, तो नेफ्थलीन बॉल जो होती है वो सब्लिमेट हो जाती है, बी ऑप्शन इसका आंसर है फर्स्ट का, बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड, कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं हो रही है, नॉट वाली पूछी है। तो कंपाउंड क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा एटम से बनता है ना, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड देखो, प्योर सब्सटेंस तो है, प्योर सब्सटेंस दो होते हैं ना, एटम एंड कंपाउंड, तो यहाँ प्योर तो है ये, है ना, प्योर सब्सटेंस तो है कंपाउंड आपका, कंपाउंड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यस कंपाउंड लाइक H2O की बात करूँ मैं, तो H2O जो है आपका वो दो अलग अलग एटम से बना है ना, तो ये कंपाउंड है। जैसे CO2 की बात करूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये अलग अलग एटम से बना है, तो जब भी कोई चीज़ अलग अलग एटम से बनी हो, तो डिफरेंट एटम से जो भी बनी हो, बट जो उनका रेशो होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए, तो वो कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड में यस वो दो और मोर एलिमेंट से बनते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमारे एलिमेंट और कंपाउंड में बटे होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, एलिमेंट होता है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आपके एक एलिमेंट्स आते हैं और एक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं सेम एटम से बनते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट आइटम से बनते हैं, याद रखना, डिफरेंट आइटम से तो बनते हैं, बट ये इनका जो रेशो होता है ना, या इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया H2O CO2, इसके एग्जांपल में आप कर सकते हो O2 हो गया, सेम आइटम से बना है ना, या फिर O3 हो गया, है ना, S8 हो गया, ये सब क्या होते हैं, S8, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस हमने दो कैटेगरी में बांटे,
तो यस, कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस भी है, टू और मोर एलिमेंट से भी बनता है ये, कैन नॉट बी सेपरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय फिजिकल मीन्स. यस, फिजिकल मीन्स से हम इसे अलग नहीं कर सकते, ये ठीक है. इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास, नो, अभी मैंने आपको बताया तो है मिक्सड, ये फिक्स प्रपोर्शन में मिक्सड होता है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, तो नॉट वाला ही पूछा है आपसे, तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड एंड सी वाटर आर, ब्लड एंड सी वाटर कैसे है, ब्लड एंड सी वाटर मिक्सचर्स है दोनों के दोनों की, दोनों कंपाउंड्स है, या ब्लड कंपाउंड और सी वाटर मिक्सचर है, या सी वाटर कंपाउंड है ब्लड मिक्सचर है. तो ब्लड एंड सी, देखो आपको पता है ना डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके. सी वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, ब्लड के अंदर भी WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब का मिक्सचर होता है, तो ये दोनों ही मिक्सचर्स होते हैं, बहुत हर मिक्सचर्स. तो ब्लड भी मिक्सचर है और आपका सी वाटर ये भी मिक्सचर्स है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है थर्ड का. आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही होगी डिटेल कंसेप्ट के साथ, तो इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लेना ताकि आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है. तो होमोजेनियस जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, होमोजीनियस में तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होमोजीनियस और हेटरोजीनियस में डिफरेंस, उसको देख लेना जरूर. तो होमोजीनियस नहीं है, तो देखो एयर तो होमोजीनियस है क्योंकि उसमें जितने भी मिक्सचर जो भी चीज़ें मिक्स है वो दिखती थोड़ी ना अलग अलग, वो तो इकट्ठा ही दिखती है. टिंचर ऑफ आयोडीन ये भी आपका मिक्स होता है पूरा यूनिफॉर्मली, तो ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स है, ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स है. शुगर में पानी में शुगर डालते तो क्या अलग अलग दिखता है, तो वो भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होमोजीनियस होते हैं, बट यहाँ नॉट बोला है, तो मिल्क जो है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, क्योंकि मिल्क जो होता है वो कोलाइड होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका आंसर है. मिल्क क्या नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, तो इसका आंसर मिल्क हो जाएगा क्योंकि वो कोलाइड होता है. नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, स्पीड होता है, कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, कि स्पेस होता है. तो आपने पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है. तो डी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं assertion reasons. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, assertion reason. तो assertion reason में फर्स्ट है, assertion है बर्निंग ऑफ majestic इज अ केमिकल चेंज. यस, majestic अगर बर्न हो रही है तो बर्न होके क्या होगा, उसकी ash बन जाएगी और वो वापस majestic थोड़ा ना मिलेगी हमको. तो जब भी केमिकल चेंज तब होता है जब कोई सब्सटेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. तो बर्निंग में तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना जब भी बर्न करते हैं. तो यस, assertion बिल्कुल ठीक है. तो 6 का assertion बिल्कुल ठीक है. रीजन देखते हैं, तो जो रीजन है वो कह रहा है कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, यानी वो वापस सेम नहीं मिल सकते हमको, रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल है. यस, ये भी ठीक है, क्योंकि जो हमें बर्न, अगर मैजेस्टिक बर्न हो गई एक बार तो क्या वो वापस मैजेस्टिक में आएगी, उसकी तो राख बन जाएगी ना, तो वो इरिवर्सिबल है. तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है, और रीजन से ही तो एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है ना कि वो इरिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल है इसलिए, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, यानी वापस हमें मिल नहीं सकता. यानी ये मैजेस्टिक जो हमारे पास पहले थी वो वापस अब वैसी थोड़ी ना रहेगी, उसकी तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो इरिवर्सिबल हो गई. तो ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी जब assertion रीजन दोनों ट्रू भी हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन. तो 6 का ये फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था एलिमेंट कंपाउंड दोनों प्योर होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. यस, assertion बिल्कुल ठीक है आपका, assertion आपका बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे रीजन को, रीजन कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफरेंट होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है. एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है ना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से ये बना है. तो कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या सेम है, ये तो अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन से थोड़ी ना मिलती, ऑक्सीजन से थोड़ी ना मिलती. यस, बिल्कुल ठीक है, रीजन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी आपस में चेंज होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी. और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये भी तो क्या है, ये भी तो क्या है, एलिमेंट ही है ना. तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड की अलग होती है, इसलिए तो ये प्योर भी है. ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्योर क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट से बने हैं, है ना.
तो इसलिए हम इसे प्योर कह रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ये इसको कि ये प्योर क्यों है, तो इसलिए इसका रीज़न सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी फर्स्ट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एजर्शन रीज़न ख़त्म होते हैं, बाकी नेपथलीन बॉल डिसअपियर हो जाती है विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो नेपथलीन बॉल होती है वो सब्लिमेशन करती है, तो लिख देना नेपथलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू गैस विदाउट लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका सब्लिमेशन का डेफिनेशन देना और नेपथलीन क्या करती है, सब्लिमेट करती है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है हम उन्हें बाद में नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कम से कम 1000 लाइक तो मिलनी चाहिए ताकि आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी कराए जा सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इससे प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक मैंने डाला हुआ आपके डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए ज़रूर चेक करना एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।